हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, और एक्सेस में एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमें बनाना है जिसमें अगर हम कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं तो उस पे जो टैक्स रेट लगता है वो हम ड्रॉप डाउन से चूज करें, और जो टैक्स रेट हम चूज करते हैं, लाइक हमारे यहाँ जो जीएसटी लगता है वो लगता है 5%, 10%, 12%, 18%, 21% या 28%। तो इन्हीं में से कोई एक टैक्स हम चूज कर लेंगे। लाइक अगर ग्रोसरी प्रोडक्ट की बात करें तो उस पर 18% टैक्स लगता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर दवाओं की बात करें तो कुछ दवाओं पर तो टैक्स फ्री रहता है, लेकिन कुछ दवाओं पर टैक्स लगता है, लाइक 5% लग गया, ठीक है। और सोने चांदी पर जो टैक्स लगता है वो 5%, इस तरह से करके लगता है। तो हम वहां से चूज करेंगे और ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा, यानी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही समझिए इसे। तो कैसे होगा ये आइए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कर दीजिए। एक बार जब ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक नई विंडो खुल करके आएगी। अब जब नई विंडो खुल करके आएगी तो फिर यहां क्रिएट का साइन दिखेगा, आपको क्रिएट दिखेगा, इस क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। और जब आप क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो फिर एक नई विंडो ओपन होगी जहां पर आपको दो तरह के व्यूज दिखाई पड़ेंगे। लाइक यहां पर देख सकते हैं, ये एक डिजाइन व्यू है, एक डेटा शीट व्यू है, दोनों दिखाई पड़ रहा है। अब हमें कहां चलना है, हमें डिजाइन व्यू पे चलना है, और यहां से टेबल वन आ रहा है, टेबल वन ही रहने देता हूं। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम कर सकते हैं, यहां पर आईडी ही रहने देते हैं, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट की आईडी या इस तरह की चीज हो सकती है, और यहां पर कर देता हूं प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये लिखा मैंने प्रोडक्ट नेम, ओके। और यहां पर ये प्रोडक्ट का नाम आएगा। अब फिर अगर यहां पे यूनिट भी कर देता हूं तो यहां पे यूनिट कर दिया हमने, और यूनिट को मैं इस बार डेसिमल नहीं रखूंगा, इस बार मैं सिर्फ नंबर रखता हूं, ठीक है। और यहां पर प्राइस करेंगे, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, तो ये प्रोडक्ट की प्राइस हमने रख दी। और यहां पर आएगा करेंसी डेटा टाइप, ठीक है। तो ये हो गया करेंसी। अब यहां पर प्रोडक्ट का टोटल करेंगे यहां पर, तो यहां पर टोटल करते समय क्या करेंगे, यहीं पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और फिर यहां से कैलकुलेटेड पे चलेंगे, और फिर यहां पर प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, तो हमारा टोटल आ जाता है। ये तो बहुत ही आसान है, यहां पे यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया और ये टोटल अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा यहीं पर, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं टैक्स की, ठीक है। तो टैक्स हमें लगाना है, तो टैक्स कितना परसेंट लगेगा वो यहां से डिसाइड हो सकता है। तो यहां पर क्या करता हूं कि ले लेता हूं नंबर डेटा टाइप, ठीक है, ये नंबर ले लिया हमने। और फिर ड्रॉप डाउन भी बनाना है टैक्स में, तो यहां से लुकअप विजार्ड पे चलेंगे। ये लुकअप विजार्ड जो आएगा वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब इसमें दो ऑप्शन हो रहे हैं, आई वॉन्ट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी, और फिर यहां पे दिख रहा है आई विल टाइप द वैल्यूज दैट आई वॉन्ट, ठीक है। तो हमें आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वॉन्ट पर क्लिक करना है, और यहां पर आना है, कॉलम हमें एक ही चाहिए, दो कॉलम्स की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो सबसे पहले 5% रख देता हूँ, 5 रख दिया हमने। आपको सिर्फ परसेंट नहीं लिखना, सिर्फ 5 लिखना, ठीक है। और यहाँ पे फिर लिखता हूँ, मान लीजिए 10%, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 12%, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 18%, ठीक है। तो अलग अलग टैक्स की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये सारे टैक्स परसेंट में लगे हुए हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने कर दिया, और यहाँ पे कर देता हूँ 21 और एट लास्ट 28%। तो यार ये सारे टैक्सेस के डिटेल हमने दे दिए। अब ये ड्रॉप डाउन में आएगा, ड्रॉप डाउन में आने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जब आप आएंगे, अच्छा एक काम और हमें करना है, और अब यहाँ पे कैलकुलेट करने का काम, नंबर डेटा टाइप नहीं बल्कि कैलकुलेटेड ले लेंगे। कैलकुलेटेड लेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि यहीं पे कैलकुलेट करके भी हमको दे देगा। तो चूंकि हमारा टोटल में ही टैक्स छिपा हुआ है तो यहाँ टोटल लिख लेंगे, और टोटल लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे टैक्स से, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 100 से, ओके, इस तरीके से। तो अब ये टैक्स कैलकुलेट करके हमको दे देगा, कैसे देगा आप देखिए, यहां पे, यहां से ओके किया तो यहां पे देख सकते हैं ये कुल मिलाकर के टैक्स अमाउंट कितना आया हुआ है, यहां पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 880 रुपए की खरीदारी पर 112% के हिसाब से 105 रुपए टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए 105 रुपए 60 पैसे यहाँ पर भी आ रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं कोई और टाइप, लाइक यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ माउस, MOUSE माउस, और यहाँ पर टाइप किया हमने 34, यहाँ पे 120 किया, ठीक है, और 34 के हिसाब से 120 की प्राइस आ गई,
और यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है ये परचेजिंग, लाइक टू यहाँ कर देता हूँ, और यहाँ पर टैक्स जो आएगा वो आ गया मान लीजिए 10%, तो 10% के हिसाब से 408 रुपए यहाँ पर टैक्स आ गया। तो इस तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो एक टेबल हो गई, ठीक है, और इस टेबल में हमने लाइक यहाँ पे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल दे दी, और अब हम चाहते हैं कि कस्टमर के डिटेल देने के लिए एक अलग से टेबल बनाई जाए, तो यहाँ पर कस्टमर के लिए टेबल बना देता हूँ। टेबल टू जो है कस्टमर की टेबल है, यहाँ पे कर देता हूँ कस्टमर आईडी, और यहाँ पर आएगा कस्टमर आईडी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे कस्टमर का नेम आएगा, कस्टमर नेम और यहाँ पे सिटी, ये हो गया। इस तरीके से अब इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको सेव करने के बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी डालेंगे, फिर कस्टमर नेम डालेंगे, तो कस्टमर आईडी यहाँ पे कर देता हूँ, और ये कस्टमर नेम मान लीजिए कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे सिटी कर देता हूँ इसकी, ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये इस तरीके से करके इसको सेव कर दिया, और अब नेक्स्ट कस्टमर की कस्टमर आईडी यहां पड़ेगी, नाम यहां आएगा, और फिर यहां पे सिटी यहां आएगी, ठीक है। और अब इसको सेव कर देता हूं। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हम क्रिएट कराएंगे। रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए जरूरी है कि एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, लाइक आईडी यहां पर है, ठीक है, और यहां पर हमने क्या दे रखा है, कस्टमर आईडी, तो वहां पर भी आईडी करना पड़ेगा। तो ये कस्टमर के टेबल में एक और फील्ड ले लेता हूं मैं, आईडी, ठीक है। अब चूंकि ये देख सकते हैं कि आईडी जो है ऑटो नंबर डेटा टाइप है, तो यहां पर हमें नंबर डेटा टाइप रखना पड़ेगा। तो ये हमने नंबर डेटा टाइप रखना है, ये ध्यान देना है। यहां पे जाकर के और फिर यहां से, तो ये दोनों ही टेबल बना ली है हमने। अब इन दोनों टेबल्स को सेव करके और फिर क्लोज कर रहा है, और हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे। तो इसके लिए डेटाबेस टूल्स पे जाना है, फिर जाना है यहाँ से रिलेशनशिप पे, और रिलेशनशिप पे जाने के बाद यहाँ से ऐड करवाइए पहली टेबल को, फिर यहाँ से दूसरी टेबल को ऐड करवाइए, और फिर यहाँ से रिलेशनशिप क्रिएट कराना है, ठीक है। तो इस आईडी का रिलेशनशिप इस आईडी से कराना है हमें इस तरीके से। तो यहाँ पे जाकर के और इन तीनों पर टिक करिए, वन टू मेनी रिलेशनशिप मैं क्रिएट करा रहा हूँ। इस तरीके से ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी, और अब हमें क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ से इसको सेव भी कर लिया हमने। अब क्या करना है, अब हमें एक फॉर्म बनाना है, तो यहाँ से चलते हैं फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। आप रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं फॉर्म बनाने के बाद। तो यहाँ से फॉर्म विजार्ड पे चलते हैं, और हमें क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा टेबल टू से भी हमें कुछ डिटेल्स चाहिए, लाइक कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, सिटी चाहिए, बस इतना ही चाहिए। यहाँ से ओके प्रेस कीजिए, और यहाँ पर आकर के मॉडिफाई डिजाइन पर आकर के और यहाँ फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है डिजाइन होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म में जो कि डिजाइन होकर आ रहा है इसमें कुछ खुद से सेटिंग करें, तो आप सेटिंग भी कर सकते हैं इजिली, ठीक है। अब जैसे ये है तो ये काफी जो है लंबा चौड़ा दिख रहा है, प्रोडक्ट का नेम इतना बड़ा होगा नहीं, तो यहां से इसको छोटा कर लेता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीजों को आप सेट कर सकते हैं। अब ये हमारा बन गया है फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको रिकॉर्ड नंबर 1 देखना है तो ये 1 पे है, 2 देखना है 2, 3, 4, जो भी देखना हो यहां से आसानी के साथ देख सकते हैं। और यहां पर कस्टमर का डिटेल भी आ रहा है, तो इस तरीके से आप ये काम बहुत ही इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। यहां पर जो टैक्स वाली बात थी, जैसे मान लीजिए 28% टैक्स लगा देंगे तो यहां देखिए 246 रुपये आ गया है, ठीक है। अगर आप 21% टैक्स लगाते हैं तो यहाँ 184 रुपये, तो टैक्स अपने आप कैलकुलेट। अच्छा, जैसे मान लीजिए यूनिट है तो यूनिट 4 है, ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए 4 के बजाय यहाँ पर 60 यूनिट है, तो देखिए यहां पर देखिएगा प्राइस कितनी है, 220 रुपये, टोटल प्राइस कितनी है 880 रुपये। आप देखिए 60 से टैब प्रेस करते ही, यहाँ पे देखिए टैब मैं प्रेस कर रहा हूं यहां से, तो यहां पे देखिए 13,200 हो गया ये अमाउंट। तो ये भी अपने आप कैलकुलेट होता रहेगा। नीचे बटन्स वगैरह आप बना लीजिए, ठीक है। ऊपर एक कॉम्बो बॉक्स भी बना सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स बनाना मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया है। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जब इसका प्रिंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, प्रिंट निकालना होगा तो वो भी इजिली निकाल सकते हैं आप। प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले रिपोर्ट डिजाइन कर लीजिए यहां से जाकर के, और रिपोर्ट विजार्ड में चले जाइए, और यहां से आप रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आईडी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस,
ठीक है, टैक्स अमाउंट और जो भी है वो सारी चीजें ले लीजिए, और फिर यहां पर आकर के टेबल टू पर कस्टमर आईडी ले लीजिए, कस्टमर नेम ले लीजिए, सिटी ले लीजिए, बस इसी की जरूरत है। यहां पर आ जाइए और किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं वो देख लीजिए, लाइक कस्टमर को प्रायोरिटी देंगे तो यहां पर कस्टमर वाली टेबल, और यहां पर कस्टमर आईडी के बेस पे देखना है, कस्टमर नेम के बेस पे देखना है, ये देख लीजिए। तो यहां पर कस्टमर आईडी कर लेता हूं मैं, या फिर कस्टमर नेम भी कर सकते हैं, तो कस्टमर नेम देंगे तो ये कस्टमर नेम के बेस पे सर्च करेगा। ठीक है, यहां पे आइए, यहां पे आइए और फिर यहां पे आउटलाइन पे टिक करके और फिर यहां पे इस तरह से मॉडिफाइड डिजाइन पे जाके ओके करता हूं मैं, फिनिश करता हूं इसको। तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ गया। अब इसमें आपको थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, यहां पे जाकर के आपको थोड़ी सी सेटिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये बिल्कुल भी अरेंज सही तरीके से नहीं हुआ है, तो इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई छोटा कोई बड़ा ऊपर नीचे सब इधर उधर हो गया है, तो इसको सही करना पड़ेगा। तो ये ऊपर देखिए कस्टमर नेम आ रहा है, देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा यहां से छोटा कर लेता हूं ये इस तरीके से, ओके। और यहां से देखिए प्राइस का कॉलम जो है छोटा पड़ रहा है, यहां से इसको डिजाइन व्यू पे ले लेता हूं और टोटल को थोड़ा सा छोटा करता हूं। तो ये देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल सही से आ चुका है, इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा।